आपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी और ख़ासकर मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई बड़ी इमारतों के लिए काफ़ी फेमस है। स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर नोएडा, बैंगलोर, बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर बड़े बड़े टावर हैं, अच्छी डेवलप टाउनशिप है, लेकिन मुंबई उसमें नंबर वन पर आता है। बिकॉज मुंबई के अंदर बहुत पहले से बड़ी बड़ी इमारतों का चलन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, टाउनशिप बनाए गए एंड ये सक्सेस भी हुए, खासकर मुंबई में। बट इनको बनाने वाली ग्रुप और उस ग्रुप के ऑनर जो चेयरमैन से, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराऊंगा जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वाणिज्य शिक्षक, अकाउंटेंट, टीचर से की थी और जो आज हिंदुस्तान के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में आते हैं। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित किया जिसकी कल्पना लोग कर नहीं सकते थे उन्होंने, लेकिन उस कल्पना को, उस ख्वाब को हकीकत में बदला और मुंबई के सिकंदर बन गए। जी हाँ, आपने पवई में हीरा नंदानी प्रोजेक्ट देखा ही होगा, काफ़ी फैम पर है और हर एक शख्स उस जगह को जानता है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जब मुंबई आते हैं तो हीरा नंदानी में ज़रूर विजिट करते हैं, सिर्फ वहाँ की इमारतों को, उस टाउनशिप को देखने के लिए। एंड इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया में भी निरंजन हीरानंदानी के नाम का डंका बजता है, क्योंकि उन्होंने इंसान की सोच को, इंसान एक उस तरह का प्राणी है जो खूबसूरती और रहनुमा जगहों के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु रहा है हमेशा से। उन्होंने उस सोच को पकड़ा और एक ऐसी टाउनशिप का निर्माण किया जो उसकी सोच पर एकदम खरे उतरती है। आपने पवई की टाउनशिप की इमारतें देखी होंगी जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है, वहाँ आके आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इंडिया में नहीं, किसी यूरोप कंट्री में घूम रहे हो। लेकिन आज से कुछ सालों पहले, 1986 से पहले, वो जगह एक बंजर जगह थी, लाइक बेस्ट ज़मीन थी। जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट करा था तब लोगों को लगा था कि पता नहीं ये शख्स क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। किसी भी पर्सन को उनकी दूरदर्शी दृष्टि को समझना बहुत मुश्किल था, बट उन्होंने अपनी इस सोच, उतना बड़ी सोच का बड़ा जादू से वो कमाल किया कि आज वो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में एक फेमस पर्सनालिटी। 40 पैसा प्रति एकड़ से एक ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, MMRDA और हीरा नंदानी ग्रुप के तहत हुआ। इन्होंने 250 एकड़ का, 250 एकड़ का एक पहाड़, एक बंजर जमीन, एक लैक्स बैन जमीन खरीदी जिसमें ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना तो सीवेज लाइन थी, कुछ ना पानी की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये किसी काम का नहीं है, जंगल लैक बैन जमीन पड़ा हुआ है, उबड़ा उबड़ा, ना तो समतल है, ना ही मैदानी एरिया है, इधर क्या होगा। उन्होंने 40 पैसा एकड़ पे इस जगह को सेल करा ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत और आज वो जगह पवई हीरा नंदानी के नाम से फेमस है। और ये प्रोजेक्ट ने उस शख्स को हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत बना दिया। ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेस हुआ कि निरंजन हीरा नंदानी जी 2022 में डेवलपर, रिचेस्ट डेवलपर में सेकेंड नंबर पर आ गए और आज मुंबई के अंदर इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप देखेंगे कि पूरा ब्यूटीफुल नेचर और हर एक ऐसी जगह, जंगल या पहाड़ी हिले एरिया पर पूरा जगह खरीद के उस जगह को इस तरह से डेवलप कर दिया जाता है कि वहाँ एक पूरा प्रॉपर शहर बना दिया जाता है, कि आपको उससे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी ज़रूरत की सहूलियत की हर एक चीज़ वहाँ पर, तमाम चीज़ें मौजूद कर दी जाती है। तो आइए हम जानते हैं इनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कौन है शख्सियत और उन्होंने किस तरह से अपनी शुरुआत करी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, एंडिंग तक देखें और इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। 1978 में निरंजन हीरा नंदानी ने अपने भाई सुरेंद्र हीरा नंदानी के साथ मिलकर हीरा नंदानी ग्रुप की शुरुआत की।
ये समूह भारत में मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में परियोजनाओं के साथ सबसे बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स में से एक है। जून 2021 तक फोर्ब्स द्वारा हीरा नंदानी ग्रुप के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरा नंदानी को 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 100 सबसे अमीर भारतीयों में शामिल किया गया। इनके परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो इनके पिता का नाम लखुमल हीरानंद हीरा नंदानी है, माता का नाम कांता हीरा नंदानी है और इनके दो भाई हैं, बड़े भाई का नाम नवीन हीरा नंदानी और छोटा सुरेंद्र हीरा नंदानी है। इनकी धर्मपत्नी का नाम कमल हीरा नंदानी है और इनको दो बच्चे हैं, एक बेटी है जिसका नाम प्रिया और बेटे का नाम दर्शन है। इनके पिता लखुमल हीरानंद हीरा नंदानी जो एक ENT सर्जन थे और भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण अवार्ड से नवाजे गए थे। इनकी जड़ें सिंध विरासत से हैं जो आज पाकिस्तान में स्थित है। लखुमल हीरा नंदानी जी 1937 में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। निरंजन हीरा नंदानी का जन्म 8 मार्च 1950 में मुंबई में हुआ। हीरा नंदानी ने कैंपियन स्कूल मुंबई से स्कूल की शिक्षा पूरी की और मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हीरा नंदानी ने अपने करियर की शुरुआत एक लेखा शिक्षक के रूप में की थी। फिर 1981 में उन्होंने अपना पहला व्यवसाय मुंबई के कांदीवली में एक कपड़ा बुनाई इकाई के रूप में शुरू किया। अपने भाई सुरेंद्र के साथ उन्होंने 1985 में मुंबई में पवई में 250 एकड़ ज़मीन खरीदी और हीरा नंदानी गार्डन के साथ एक रियल इस्टेट व्यवसाय शुरू किया। इनके खुद के हॉस्पिटल भी हैं। हीरा नंदानी अस्पताल 2006 में पवई में, 2011 में थाने में शुरू किया गया था। ये यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन्होंने नवी मुंबई में एकीकृत यूटा डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर NM1 है। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो 2020 में 2020 में टॉप 10 इंडियन रियल इस्टेट टाइकून में थे। IIFL वेल्थ हुरुंग इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार रियल इस्टेट क्षेत्र में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। हीरा नंदानी ग्रुप ने अब तक के सफर में 23 अवार्ड से नवाजा गया। इनके ग्रुप का सबसे पहला अवार्ड 1991 में मिला था, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर 1991 इंटीरियर, और लास्ट अवार्ड 2020 में 10th कंस्ट्रक्शन वीक इंडिया अवार्ड 2021 हीरा नंदानी पार्क थाने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का मिला। इनकी टोटल नेटवर्थ आकी जाए तो 4.3 बिलियन 341 अरब 439 मिलियन 240 हज़ार रुपये के बराबर होती है इंडियन करेंसी में। तो ये थे निरंजन हीरा नंदानी जिन्होंने अपने शोहरत का डंका पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड में भी बजाया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।